नमस्कार, मैं सुरोज हाशमी। बीजेपी शिवसेना की तनातनी के बीच किसान श्रीकांत बनना चाहते हैं महाराष्ट्र के सीएम। एक हफ्ते से ज्यादा होने को आ गया है, बीजेपी शिवसेना में सीएम पद को लेकर होड़ लगी हुई है और महाराष्ट्र की जनता, किसान, अन्य लोग कयास लगाए हैं आखिर कौन बनेगा 2019 महाराष्ट्र का सीएम। हर दिन शिवसेना बीजेपी के फैसले सामने आ रहे हैं, लेकिन उस फैसले से, उस मांग से कुछ हल निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, जिससे लोग अनुमानों के सहारे चल रहे हैं। और ऐसे में एक किसान सामने आया है जो बीड जिले का है, जिसका नाम श्रीकांत है, जिसने राज्यपाल को एक चिट्ठी लिखा है, यानी पत्र दिया है और मांग की है। जब तक शिवसेना बीजेपी की सीएम पद को लेकर घमासान मचा हुआ है, जब तक शिवसेना बीजेपी में किसी तरह की, मतलब जो वाद विवाद चल रहा है सीटों को लेकर, वो ख़त्म नहीं हो जाता है, तब तक मुझे महाराष्ट्र का सीएम बना दे। मैं बनना चाहता हूं और महाराष्ट्र की सीएम, क्योंकि मैं किसान हूं और किसानों की हित में काम करूंगा और महाराष्ट्र में जल्द से जल्द सरकार की ज़रूरत है। कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में विधानसभा का निवडणुका हो गई थी, लेकिन अभी महाराष्ट्र में पड़ती के बारिश में शेतकरी और सर्वसामान्य लोग चिंताग्रस्त हो गए और उनको धीर देने का काम, और वो मैं एक शेतकरी का बच्चा हूँ, इसलिए मैंने उनको जो प्रश्न है सुनने का प्रयत्न करने के वास्ते मैंने राज्यपाल को एक विनंती अर्ज किया, साहब मेरे को ये महाराष्ट्र का सीएम बना दीजिए, मैं महाराष्ट्र में शेतकरी सर्वसामान्य प्रश्नावर एक सोडवने काम करीन आणि एक ठोस निर्णय देऊन असा मी विश्वास दिला पत्रामध्ये। जो है वो कुछ काम के नहीं, ऐसा मेरे को नहीं, मैं महाराष्ट्र के पूरे जनता को नज़र आ रहा, इसलिए मैं एक किसान का बच्चा, ये मेरे समझ में आया, इसलिए मैंने वो मांग की, बहुमत दिया। लेकिन उनके समझ में ये नहीं आया कि महाराष्ट्र में जनते को जब ऐसा कोई लक्ष्य में आया कि ये बीजेपी और शिवसेना ये दोनों महाराष्ट्र एक उनकी बाप की जागीर समझ रहे हैं, ये इसलिए मैं एक किसान का बच्चा सामने आने की कोशिश कर रहा हूँ कि महाराष्ट्र का सीएम बना दिया मेरे को राज्यपाल ने, तो मैं महाराष्ट्र को किसान के और सर्वसामान्य जनता के काम करने का प्रयत्न करूँ। बता दें 24 अक्टूबर को आए चुनावी नतीजों को 105 तो शिवसेना को 56 सीटों पर जीत हासिल हुई है और 288 सदस्य विधानसभा में सरकार बनाने के लिए 145 सीटें चाहिए, लेकिन शिवसेना ढाई साल तक दोनों दलों को सीएम बनाए जाने की मांग पर अड़ी हुई है, जबकि बीजेपी का कहना है कि देवेंद्र फडणवीस ही पूरे 5 साल तक मुख्यमंत्री रहेंगे। संजय राउत ने एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से मुलाकात किया था और उस मुलाकात में भी राजनीतिक सरगर्मी और तेज हो गई है कि शरद पवार, शिवसेना, एनसीपी मिलकर सरकार बनाने की कदम बढ़ाया है, जबकि संजय राउत का कहना है कि मैं दिवाली का हार्दिक शुभेच्छा देने गया था। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहें प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।